स्वागत है किसान भाई आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती .com में। मैं सोनीश कुमार लेकर आया हूं आपको एक ऐसी फसल के बारे में जो हमारी सब्जियों में बहुत ज़रूरी है और इसका उपयोग हर किचन में ज़्यादातर होता है, किचन में भी होता है, साथ ही साथ इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसके बाद जैसे बात कर रहे हैं हम टमाटर को, हम आप देख पा रहे हैं पीछे हमारी कितने सारे टमाटर देख पा रहे हैं और हम टमाटर की फसल के लेके बात करेंगे। हमारे साथ एक किसान हैं, उनके खेत पर हम आए हैं, उनसे जानेंगे कि टमाटर की फसल को किस तरह तैयार किया जाता है और इसको किस तरह अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी। तो पहले आपका क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन नाम है हमारे किसान भाई का और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने टमाटर की फसल कितने बीघे में लगा रखी है, किस तरह से इन्होंने तैयार की है। तो आपकी जो फसल है जैसे हम देख पा रहे हैं कितने बीघे की फसल है ये? 20 बीघा 4 एकड़ में हमने ये टमाटर की फसल लगा रखी है आपने। अच्छा, इसको कैसे कैसे तैयार किया जाता है, कहाँ से कैसे प्रोसेस तैयार होता है? पहले पौध बनाई जाए, बीज डाले जाए। अच्छा अच्छा, बीज किस कंपनी का लाते हैं, क्या मतलब क्या 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 देख के लाते हैं बीज? 5013 जो ब्रांड है उसका बीज लाते हैं। फिर उसके बाद बुवाई कर दें बीज की, एक महीना बाद जी पौध हो जाती है जी। फिर बेड बनाते हैं, कितना ऊंचा बेड बनाते हैं, कितनी चौड़ाई रखते हैं बेड की? ऊपर से 3 फुट का। अच्छा, 3 फुट चौड़ाई रहती है ऊपर की बेड की और गहराई? 1 फुट की गहराई। 1 फुट की गहराई रहती है बेड की, ऊपर बेड पर लगाते हैं बेड को, पौध लगाते हैं एक बेड पे। मतलब किस कितना 3 फीट का जैसे बेड है तो कितना दूरी दूरी पे हम पौध? एक फुट पर मतलब पौधा 1 फुट पे छोड़ के हम बेड के पौध लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब खेत तैयार हो जाए तो लगाते हैं। पीछे दो पौध लगाते लगे दो बार क्या लगती है? डीएपी लगता है। जब पौध बाल निकलने लग जाती है, मतलब वो ग्रोथ अपने पकड़ कर लेती है, उसके बाद के जब पौध लगाते ही डीएपी लगाते हैं? पेड़ मतलब जम जाते हैं, जैसे जम गया दिखा, अब जमने लग गया है, इसने अपना अंदर जमीन में तना पकड़ लिया है, जब लगाई जाती है उसके बाद डीएपी लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करते, पानी कब दिया जाता है? पानी मतलब 8 दिनों में एक बार, मतलब नीचे कम सील जैसे कि नमी बनी रहे उसे 3-8 दिनों में एक बार हफ्ते में जैसे कह सकते हैं हम एक बार पानी दिया जाता है। तो कितने टाइम लग जाता है जैसे पौध को हमने बीज बोया, बीज बोने से पौध को तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? एक महीना में एक फुट का पेड़ हो जाता है। एक महीने में 1 फुट का पेड़ होते ही वो हमारी पौध तैयार हो जाती है। अच्छा, पौध लगाने पर और टमाटर आने पर कितना समय लग जाता है? 2 महीना 2 महीने के अंदर पौध लगाने के बाद टमाटर आना स्टार्ट हो जाता है हमारा शुरू। तो उसके बाद जैसे हम देख पा रहे हैं टमाटर हरा होता है, हरे होने के बाद जो थोड़ा सा पीला होना पड़ना शुरू हो जाता है, लाल पड़ना शुरू हो जाता है, हम उससे उसके बाद थोड़ा ही स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर एक तरह से स्टेप बाई स्टेप थोड़ा ही स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एक दिन में कितनी तुड़ाई कर लेते हैं क्रेट? ये हम दो मर्द भैये मतलब 20 क्रेट तोड़ते हैं पूरे दिन में, 20 क्रेट तोड़ते हैं, शाम को लगते हैं और सुबह फिर इसके मंडी के लिए लेके जाते हैं। तो अभी तो बात करें जैसे टमाटर की, तो मंडी में क्या भाव चल रहा है टमाटर का? अब फिलहाल आज की तारीख में मतलब 250-300। अच्छा, क्रेट के अंदर कितने टमाटर आ जाते हैं? 25 किलो एक क्रेट के अंदर टमाटर आ जाते हैं। तो आप 20 क्रेट लेके जाते हैं यहाँ से। तो जैसे किसान भाइयों जाना है आपने कि बीज लेकर आए, बीज को पौध बनाया, पौध बनाने में 1 महीना लगता है, उसके बाद हमने पौध को बेड बनाया, खेत में बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे पौध जमाई, उसके बाद हमने डीएपी दिया, डीएपी देने में पानी देते हैं हर हफ्ते 1 दिन में। इस तरह से हमारी टमाटर की फसल 2 महीने के अंदर टमाटर देना स्टार्ट कर देती है। तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद किसान भाई।